दोस्तों, सीएम योगी ने भेजे 27.1 लाख नरेगा मजदूरों के खाते में एक एक हजार रुपए। और ये आज ही दोस्तों, आज तारीख है 30 मार्च 2020। आपको पता है कि देश भर में जहाँ कोरोना एक लगातार कहर बरपा रहा, वहीं पर यूपी में भी कोरोना की बढ़ती तादाद को देखते हुए सीएम योगी सख्त कदम उठा रहे हैं। जहाँ पूरे इंडिया भर में, भारत भर में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं पर यूपी में भी मजदूरों, बेरोजगारों, किसान, महिलाओं, पेंशनधारियों आदि के लिए समस्या का कारण बना हुआ है। तो जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, जो भी मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, महिला वर्ग है, उनका ना तो कोई आमदनी हो पा रहा है। और क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन पर है, इसलिए सारे फैक्ट्री की बात करें, मतलब पूरा कारोबार ठप पड़ा है, तो किसी का भी एक रुपए का आमदनी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लोगों का घर कैसे चले, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ का खाना कमाना जानते हैं, उसको देखते हुए सीएम योगी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, लगातार एक सराहनीय कदम उठा रही है। अभी कुछ दिनों पहले, 2 से 3 दिनों पहले 20 लाख मजदूरों को एक एक हजार रुपये उनके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में भेजा। वहीं आज की बात करें तो आज 27.15 लाख नरेगा मजदूर जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उनके खाते में एक एक हज़ार रुपये भेज दिया गया है। तो आप कैसे चेक करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे? तो आपको बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पवन छागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ये रेड कलर का बटन जो सब्सक्राइब लिखा है इस पर क्लिक कर लें, और एक घंटी का निशान आता है ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे और हम जब भी आपका उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे तो आप तक हमारा संदेश पहुँच जाएगा और आप हमारी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो चलो फुल डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेहतरीन से न्यूज़ दिखा देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने अभी 7 घंटे पहले ट्वीट किया है, कोविड-19 के दस्तगत मनरेगा के 27.5 लाख श्रमिकों के खातों में 611 करोड़ की धनराशि का एकमुश्त हस्तांतरण। यहाँ देख सकते हो, ये वीडियो पढ़ा लगभग 22-20 मिनट का है जो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया था। यहाँ पर देखिए, भुगतान हेतु अवशेष 2.7 लाख, कुल ट्रांजेक्शन हुए 35.46 लाख हुए, 35.46 लाख कुल धनराशि जो 611 करोड़ भेजी गई है। श्रमिकों की संख्या जिनका भुगतान लंबित 27.15 लाख लोगों को इसका लाभ दिया गया है। प्राप्त श्रमिक दी जा रही है औसत धनराशि दोस्तों 2250 रुपये। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नरेगा जॉब कार्ड बना है या किन लोगों को पैसा भेजा गया, उसका देखने के लिए तो आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे। जैसे यहाँ पर आते हैं तो डाउनलोड नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट, इस पर आप आएंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप मनरेगा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे तो आप जिस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लें, उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है, जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपके अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है कि किस ज़िला से आप बिलोंग करते हैं। वहाँ का नाम सेलेक्ट करने के बाद अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करने के बाद अपने विलेज का नाम, अपने गांव का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर आते, देखिए रजिस्टर्ड, ये जॉब कार्ड या एम्प्लॉय रजिस्टर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करेंगे तो आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी जॉब कार्ड होंगे उन सभी की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। तो इन सभी को दोस्तों पैसा मिलना बिल्कुल तय है। फिलहाल इनके अकाउंट नंबर एक्टिव होने चाहिए, और जैसे इनके अकाउंट नंबर एक्टिव हैं तो आप अपना नरेगा कार्ड, जो भी आपका जॉब कार्ड, उस पर क्लिक करके अपने नरेगा कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपका जॉब कार्ड, फिर नाम, पता, एड्रेस सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे आप अपना देख सकते हैं नाम। अब चेक कैसे करना है कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, उसके लिए आप हमारी एक और, मैं पोस्ट दो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक इस पोस्ट का और एक और लिंक दूंगा जिसमें आपको यहाँ पर देखिएगा ऑल बैंक बैलेंस इंक्वायरी नंबर, यहाँ पर मैंने वो सारे नंबर दिए हैं जो मिस कॉल देकर आप किसी भी बैंक के खाते की जानकारी जान सकते हैं। तो आपको ऐसे पता चल जाए, आपको मिस कॉल मारना होगा अपने बैंक में, वो भी रजिस्टर्ड, दूसरे इसमें मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसे आपको एक मिस कॉल देनी है अपने बैंक के नंबर पर, आपको आपका बैलेंस पता चल जाएगा। जैसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप उसके नंबर दिए गए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में नंबर है, HDFC में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, देना बैंक में है, ठीक है। अगर आपका इन किसी में बैंक में
आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप मिस कॉल देकर इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। आपको मिस्ड कॉल पर आपके बैलेंस की इंक्वायरी हो जाएगी। चलो मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्राम, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो भी आपके बैंक में रजिस्टर्ड हो उसमें आपको एक नंबर डायल करना है 99 86 45 44 40। इसको जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड हो उस पर एक मिस कॉल देनी है। जैसे आप मिस कॉल देंगे आपको 1 से 1.5 मिनट में एक मैसेज आएगा जो आपके अकाउंट का बैलेंस बताएगा। तो चलो मैंने मिस कॉल दे दी है और मैं आपको ले चलता हूँ मैसेज। तो ये देखिए मैंने मिस कॉल दिया है एज ऑन 30/3/2020, मतलब 30/3/2020 को क्लियर बैलेंस जो दिखा रहा है, योर अकाउंट इज दिस इज ₹1144 अकाउंट नंबर दिस एंड इज दिस। तो इतना माइनस में, 200 में माइनस में क्यों दिखा रहा है, उसका रीज़न है मैं केसीसी से लोन ले रखा है हमने अपने अकाउंट में तो इसलिए माइनस दिखा रहा है। जो लेकिन बैलेंस दिखा रहा है 1144। तो आप अपना बैलेंस यहाँ घर बैठे चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका मनरेगा का जो पैसा है वो अभी आया है या नहीं आया है। तो ये पूरा मैथड था। आप सभी बैंकों के मैंने नंबर दे दिए हैं, जो भी बैंक हो उसमें मिस कॉल मारें अपने बैंक का बैलेंस घर बैठे जाने। और आप और भी डिटेल जाने मनरेगा का लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। और भी आप अगर केंद्र सरकार की जैसे दोस्तों किसानों के लिए जनधन खाते में जो 1500 रुपये भेजे जा रहे हैं उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। लगातार हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिलता रहता है जिससे हमारे चैनल से आप जुड़ जाएँ। केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो भी स्कीम्स आती है मैं आपको लगातार अपडेट करता हूँ। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।